आजकल हाइड्रोजन कार्स आने लग गई हैं, कारें हाइड्रोजन से चलेंगी। हाइड्रोजन हमारे शरीर में भी होता है, असल में हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल में होता है। वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है, तो जहाँ भी वाटर है वहाँ हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन तो सभी जगह है, लेकिन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ एक फेनोमिनन है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है सारी केमिकल रिएक्शंस के लिए, और ख़ासतौर से बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए, लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वो फेनोमिनन कहलाता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, शॉर्ट में इसको पीएच कहते हैं। और पीएच एक स्केल होती है 0 से 14 की, जिस पर एसिडिटी या एल्केलिनिटी को इंडिकेट किया जाता है। तो जो 7 पॉइंट है, वो बीच का जो पॉइंट है वो न्यूट्रल पॉइंट है, और 7 से नीचे का पीएच एसिडिक होता है, 7 से ऊपर का पीएच एल्कलाइन होता है। और पीएच में, और ये स्केल पूरी एक्सपोनेंशियल होती है, इसलिए इसका इफेक्ट बहुत होता है। जैसे पीएच 1 और पीएच का 2 का फ़र्क 2 टाइम्स नहीं होगा, बल्कि उससे बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये पूरी स्केल एक्सपोनेंशियल है। और अगर पीएच में ज़रा भी चेंज हो तो सारे केमिकल रिएक्शंस में, बायोकेमिकल रिएक्शन में, लाइफ प्रोसेस में बहुत चेंज आ जाता है। इसको आप एक बहुत सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर सपोज करिए कि आप दूध में थोड़ा सा नींबू डाल देते हैं, कुछ ड्रॉप्स, तो दूध फट जाता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मिल्क का पीएच चेंज हो गया, तो उस पीएच के चेंज होने की वजह से जो केसीन, जो मिल्क की प्रोटीन है, जो कि सॉल्यूशन फॉर्म में या डिसॉल्व रहती है वाटर में, अब वो कोएगुलेट हो जाती है, सॉल्यूशन फॉर्म से बाहर निकल आती है, तो पूरा दूध फट जाता है, निकल जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि दूध की प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं और फटे हुए दूध की प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। आप ये सोचिए कि ऐसे ही अगर थोड़ा सा पीएच चेंज आपके शरीर के अंदर हो जाए, आपके ब्लड में हो जाए, तो उसका क्या हाल होगा। तो हमारी बॉडी में एक पर्टिकुलर पीएच मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि शरीर में अलग अलग जगह पे अलग अलग पीएच होता है, जैसे कि हमारे स्टमक में बहुत सारा एसिड रिलीज होता है, तो वहाँ पे एसिडिक पीएच है, बहुत ज़्यादा एसिडिक है, 1.3 के आसपास भी हो सकता है, 3 के आसपास भी हो सकता है। पर अगर हम लार्जर बॉडी की बात करें, हम अपने ब्लड की बात करें, तो उसका पीएच फिक्स रहता है, और वो पीएच होता है 7.4, मतलब थोड़ा सा एल्कलाइन तरफ होता है। 7 न्यूट्रल है, 7.4 थोड़ा सा एल्कलाइन की तरफ है, तो ये 7.4 पीएच रहता है, और ये पीएच रहना बहुत ज़रूरी है। इसमें ज़रा भी इधर उधर, एक्चुअल में जो आइडियल रेंज मानी जाती है वो 7.35 से 7.45, एक बहुत ही नैरो रेंज है, और उस नैरो रेंज से ज़रा भी इधर उधर होते ही सारी बायोकेमिस्ट्री आपकी गड़बड़ा जाती है। और ये पीएच आजकल गड़बड़ हो रही है, हमारा ब्लड एसिडिक हो रहा है। ग्लोबली ये समझ में आ रहा है कि इंसानों का ब्लड एसिडिक हो रहा है, और एसिडिक ब्लड होने से बहुत चेंजेस आ रहे हैं। जैसे मैं सिर्फ एक एग्जांपल दूं आपका, कि अगर आपका ब्लड एसिडिक होता है तो आपकी हड्डियां घुलने लगती हैं, और हड्डियां घुलने से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, मतलब हड्डियों के अंदर हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और उनमें होल जैसा हो जाता है, उनमें से कैल्शियम निकल आता है। और आजकल आप देखते भी होंगे कि लोगों का फ्रैक्चर होता है तो हड्डियां एकदम ऐसे टूट जाती हैं कि फिर सर्जरी करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि लाइन एक हो गई है और वो जुड़ जाएगी, वो टुकड़े टुकड़े से हो जाती हैं, हड्डियां बहुत कमज़ोर हो गई लोगों की, और इस वजह से कमज़ोर हुई हैं कि हमारा जो ब्लड है वो एसिडिक हो रहा है, और एसिडिक होने से हड्डियां घुल रही हैं, उनका कैल्शियम निकल रहा है। तो हड्डी का कैल्शियम निकलने से, हड्डी घुलने से, एक तरफ तो ये है कि हड्डी कमज़ोर हो जाती है, और दूसरा फ़र्क ये आता है कि वो कैल्शियम हार्ट में जाके डिपॉजिट हो जाता है, ब्लड वेसल्स में जाके डिपॉजिट हो जाता है, उसका कैल्सिफिकेशन हो जाता है, और वो एक हार्ट अटैक का कारण बनता है। अब जैसे कि अगर आपकी हड्डी कमज़ोर है, आपको ऑस्टियोपोरोसिस है, और आप किसी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के यहाँ जाएं, तो वो कहेगा कि आपकी बोन डेंसिटी कम है, और बोन डेंसिटी कम होने के लिए वो आपको कैल्शियम प्रिस्क्राइब कर देंगे। अब प्रॉब्लम की बात यह है कि हो सकता है कि आपके ब्लड वेसल्स में, आपके हार्ट में ऑलरेडी कैल्सिफिकेशन हो रहा हो, और वैसी सिचुएशन में अगर आप कैल्शियम सप्लीमेंट ले रहे हैं तो वो बहुत डेंजरस हो सकता है। तो कैल्शियम सप्लीमेंट पे आजकल बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और एक तो मैं सलाह देना चाहूँगा कि अपनी मर्जी से तो कभी भी कैल्शियम सप्लीमेंट नहीं लीजिए,
हड्डियां जरूर कमजोर हो रही हैं, लेकिन वो कैल्शियम की कमी से नहीं हो रही हैं। वो इस वजह से हो रही है कि हमारा पीएच गड़बड़ हो रहा है, तो हमारा पीएच रिस्टोर होना चाहिए, पीएच सही जगह पे आना चाहिए। और सिर्फ ये हड्डियों में प्रॉब्लम नहीं हो रही है, पीएच चेंज होने की वजह से, पीएच एसिडिक होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। पर ये क्यों हो रहा है? एक कंसेप्ट अल्कलाइन फूड या अल्कलाइन वाटर का है कि आप एसिडिक फूड खाते हैं तो उसकी वजह से हो रही है क्या? नहीं, वो कारण नहीं है। क्या अल्कलाइन फूड खाने से या अल्कलाइन वाटर पीने से आपके आपका ब्लड का पीएच सही हो जाएगा? नहीं, उससे नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है कि आप एसिडिक खाएं, ऑफकोर्स अगर आप एसिडिक चीज़ें खाते हैं तो आपके दांत ख़राब हो सकते हैं और प्रॉब्लम हो सकती हैं आपको, अर्थराइटिस या हड्डियों में पेन वगैरह हो सकता है, तो वो प्रॉब्लम तो होंगी। तो एसिडिक खाना तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बॉडी का पीएच एसिडिक अल्कलाइन चीज़ें खाने से या अल्कलाइन वाटर पीने से रिस्टोर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आप कुछ भी खाइए, आपके स्टमक में एसिड निकलता है, आप कितना भी अल्कलाइन खाइए आपके स्टमक में एसिड निकलता है, और कितना एसिड निकलना है ये इस पर डिपेंड करता है कि आपने क्या खाया है। अगर आपने कोई एसिडिक चीज़ खाई है तो कम एसिड निकलेगा, और अल्कलाइन चीज़ खाई है तो ज़्यादा एसिड निकलेगा, क्योंकि बॉडी को उस पीएच पे ही फूड को वहाँ पे हैंडल करना है। तो ओरली अल्कलाइन वाटर लेने से या अल्कलाइन फूड ले लेने से बॉडी का पीएच रिस्टोर नहीं होता है, ये मिसकंसेप्शन है बहुत जगह। कैसे होगा मैं इसकी बात करूँगा, लेकिन उसके पहले मैं ये बात करना चाहूँगा कि ये पीएच गड़बड़ क्यों हो रहा है। तो ये पीएच गड़बड़ होने में एसिडिक फूड या एसिडिक ड्रिंक्स का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। एक जो बहुत बड़ा रोल है वो कार्बन डाइऑक्साइड का है। हम लगातार सांस लेते हैं, हर मिनट हर घंटे 24 घंटे सांस लेते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन हमको एब्जॉर्ब करनी पड़ती है और CO2 निकालनी पड़ती है। और हमारी बॉडी में एक सिस्टम होता है, बफर सिस्टम, जिसको कि बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम कहते हैं, वो उस CO2 लेवल से उसका एक कनेक्शन है। और ये हमारी जो बॉडी है ये एक्चुअली आइडियली जो डिज़ाइंड है वो एक पर्टिकुलर कार्बन डाइऑक्साइड लेवल के लिए डिज़ाइंड है, कि वातावरण में अगर 200 से लेके 600 ppm तक का कार्बन डाइऑक्साइड है तो हमारी बॉडी ठीक काम करती है। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इससे ज़्यादा हो जाता है तो फिर गड़बड़ाने लगती है, CO2 का रिटेंशन हो जाता है, और क्योंकि वो बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम है तो वो एसिडिक रेंज में चला जाता है फिर। और आपको पता है कि आजकल हम कितने कार्बन डाइऑक्साइड में रह रहे हैं? एक तो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? क्योंकि हम बहुत सारी कारें यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारा फॉसिल फ्यूल जल रहा है, पेट्रोल जल रहा है, बिजली में कोयला जल रहा है, इन सब चीज़ों की वजह से हो रहा है। लेकिन उससे भी बड़ा रीज़न ये है, अभी भी जो बाहर की हवा है उसमें CO2 का लेवल करीब 425 तक है ग्लोबली। आपके शहर में हो सकता है ज़्यादा हो, ज़्यादातर जो पोल्यूटेड इंडियन सिटीज़ हैं उनमें तो 1000 के ऊपर ही हो गया होगा ppm लेवल, लेकिन सबसे ज़्यादा जो CO2 का लेवल है वो इंडोर है, कमरे के अंदर है, और ख़ासतौर से तब जबकि आप एयर कंडीशनर यूज़ कर रहे हो। क्योंकि हर आदमी रोज़ 24 घंटे में अपने शरीर से 1 किलो CO2 निकालता है, और 1 किलो CO2 बहुत होती है, 1 किलो वजन की बात कर रहा हूँ मैं, वॉल्यूम में लेंगे तो बहुत ज़्यादा होती है। और अगर एक किसी आदमी को एक छोटे कमरे में 10x10x10 के कमरे में बंद कर दिया जाए 24 घंटे के लिए, तो उसका जो CO2 का लेवल है वो 30,000 तक पहुँच सकता है, जबकि सेफ लिमिट सिर्फ 600 तक की है। तो अगर हम अपने खिड़की दरवाजे बंद रखते हैं, और ज़्यादातर हम बंद रखते हैं क्योंकि हम AC चलाते हैं, आजकल AC घर में हो गया है, कार में हो गया है, ऑफिस में हो गया है, मॉल में हो गया है, सभी जगह एयर कंडीशन हो गई हैं, तो सब जगह से वेंटिलेशन गायब है और सब जगह CO2 का लेवल बहुत बढ़ गया है, और ये लेवल बढ़ने की वजह से हमारा ब्लड एसिडिक हो रहा है। तो अगर हमको अपने ब्लड का पीएच रिस्टोर करना है तो एक्चुअल में हमें ऐसे वातावरण में जाना पड़ेगा जहाँ पे CO2 का लेवल कम हो। और पीएच रिस्टोर करने के लिए सबसे बढ़िया मौसम यही है, मानसून का, सावन का, जबकि चारों तरफ हरियाली है। तो हरियाली क्या करती है कि CO2 सोखती रहती है। लेकिन अगर आप घर के अंदर बंद हैं और खिड़कियाँ दरवाजे बंद किए हुए हैं या AC चला रहे हैं, तो आपके अंदर बाहर
फर्क नहीं पड़ता है कितनी हरियाली है, आपके कमरे में तो CO2 का लेवल बहुत ज़्यादा होगा। या आप किसी ऐसे ऑफिस में काम करते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, या आप क्लासरूम में बैठे हैं जहाँ बहुत सारे लोग हैं, तो वहाँ तो CO2 लेवल ज़्यादा होगा, बाहर भले ही कितनी हरियाली हो। तो ये जो मौसम है मानसून का, देखिए हर बॉडी की चीज़ को सेट करने का एक पर्टिकुलर मौसम होता है। जैसे मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो में बताया था कि हार्ट के इशूज़ को सेटल करने का एक सही समय गर्मियाँ होती हैं, समर होती है। इम्यूनिटी को सेट करने का एक समय बरसात, ये वाला मौसम अभी इम्यूनिटी को भी सेट करने का एक अच्छा मौसम है। लेकिन एक बहुत ही फंडामेंटल चीज़ जो बॉडी pH को रिस्टोर करने का समय है, वो बिल्कुल यही है सावन, जब चारों तरफ हरियाली है, लगातार CO2 जो ये घास फूस है इतनी ज़्यादा हो रही है, पेड़ पौधे हो रहे हैं, ये सब सोख रहे हैं, तो बाहर हवा में CO2 कम हो जाती है, तो आपका जो अंदर CO2 रिटेन्ड है वो जल्दी से बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकलने से आपका जो ब्लड का pH है वो रिस्टोर हो जाएगा। और ये प्रोसेस जल्दी हो सकता है, ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकता है, फास्ट हो सकता है, अगर हम इसको फास्टिंग से करें, मतलब उपवास के साथ करें। तो मानसून में, इस मौसम में एक अच्छा सा फास्ट करना सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और अच्छा सा फास्ट का मतलब मेरा हमेशा रहता है कुछ हफ्ते का, एक या दो दिन के फास्ट से भी फ़ायदा होता है, लेकिन बहुत छोटा। लेकिन अगर गहरा फ़ायदा चाहिए, उससे pH को तो कुछ नहीं होगा एक दो दिन के फास्टिंग से, लेकिन अगर आप किसी फॉरेस्ट में जाके, सेहतमंद जैसी जगह में आके एक लंबा फास्ट कर लेते हैं, दो हफ्ते का फास्ट कर लेते हैं मैं कहूँगा, तो दो हफ्ते का एक बहुत ऑप्टिमम फास्ट है। तो ये जो फास्ट है आपकी बॉडी का pH रिस्टोर कर देगा, और बाकी रिबूट तो करेगा ही, बाकी प्रॉब्लम्स जो भी हैं वो तो दूर होंगी, और ज़्यादातर क्रॉनिक डिजीज़ भी फास्ट करने से चले जाते हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन वगैरह भी। तो मैं आजकल मौसम के हिसाब से भी बात कर रहा हूँ, तो मैं ये कहूँगा कि इस सावन का, इस हरियाली का फ़ायदा उठाएं और अपने बॉडी का pH बैलेंस करें।